नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मुख्तार अंसारी के गेम का अभी द एंड नहीं हुआ, या ये मान लीजिए कि मुख्तार अंसारी की मौत नहीं हुई है, मुख्तार अंसारी जिंदा। और 20 साल बाद भी मुख्तार अंसारी खुद ही अगर अपने गुनहगारों को एक्सपोज करने के लिए सामने आए तो आप यकीन नहीं कर, आपको लगे क्या खबर लेकर के आ गई। दरअसल मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, जो 1985 से मैं सियासत में कदम रखे और 1985 में पहली बार विधायक बने, विधायक रहे, सांसद रहे और फिर मैदान में, अफजाल ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। और वो चौंकाने वाले हमें आपको मीडिया को नहीं है, वो चौंकाने वाले हैं सत्ताधारी दल को। अगर अफजाल अंसारी जो कह रहे हैं उन बातों में दम है तो वाकई कुछ लोगों की नींद खराब हो सकती, नींद उड़ सकती, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता रहता है। आज सत्ता है, कल न रहे। आज जांच करने वाले हैं, कल न रहे कोई दूसरा जांच करे। आज डॉक्टर जो हैं, जो रिपोर्ट दे रहे हैं, मौत की वजह बता रहे हैं, कल वो न रहे कोई और रिपोर्ट दे। जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं, कल वो न करें कोई और करे, तो क्या हो सकता। क्योंकि अफजाल अब भी उस आरोप पर कायम है कि उनके भाई मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं, वो मौत हुई है स्लो पॉइजन की वजह। और मीडिया के सामने बातचीत करते हुए अफजाल ने यहां तक बोल दिया कि मुख्तार को जहां दफनाया गया है सबूत वहीं से निकलेंगे, ये सबूत जरूरत होगी तो 10 साल बाद निकलेंगे, जरूरत होगी तो 15 साल बाद निकलेंगे और जरूरत पड़ी तो 20 साल बाद निकलेंगे। यानी मुख्तार दफन भले कर दिया गया लेकिन अपनी गवाही देने के लिए, अपने इंसाफ के लिए सबूत पेश करने के 20 साल बाद भी सामने आ सकता। आलोक पाठक को मैं इस पर जोड़ रहा हूं लखनऊ से, क्योंकि ये लगातार गाजीपुर बातचीत भी कर रहे हैं, इस पूरे कहानी को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। आलू भाई, ये जो अफजाल अंसारी ने जो कहा है कि जहां हमने दफन किया है अपने भाई को, ऐसी व्यवस्था से दफन किया है कि कभी भी, आज 10 साल 15 साल 20 साल कहने का मतलब समझिए, आज सत्ता है और सारे तंत्र, सारे सिस्टम को एक मुट्ठी में कैद रखा गया, उसकी मर्जी के मुताबिक ही परिंदा भी पर मार सकता है, कहा तो यही जा रहा है। तो जो वक्त का पहिया घूम जाएगा तो फिर से क्या जांच होगी मुख्तार की मौत की? देखिए, बिल्कुल होगी जांच। जो बोला है अफजाल ने बोला कि लोग कह रहे हैं मुख्तार की कहानी खत्म हो गई है, उस सवाल के जवाब में बोला कि कहानी खत्म नहीं हुई साहब, कहानी तो अब शुरू हो रही है। बोला जिस तरह से 4 लाख 5 लाख लोग जनाजे में आए, जिस तरह का जनसमर्थन दिखा, उससे लगा कि मुख्तार अभी जिंदा है, मतलब मुख्तार अब अपने फॉलोअर्स के बीच में जिंदा है, पहली बात। दूसरी बात, जो साजिश वाली बात कही उसको बड़ी, आप समझिए, देश के तमाम दिग्गज रिटायर्ड IPS अधिकारी और जो इस तरह की जांचों को कर चुके हैं, उन्होंने, कई लोगों ने मीडिया इंटरव्यूज में कहा है कि अब तो ऐसी तकनीक आ गई है कि अगर शव को दफना दिया गया है तो 15 साल 20 साल बाद भी शव का हर रंग गलता नहीं है, बाल बचे रह जाते हैं, कई बार हड्डियां बची रह जाती हैं और उनकी जांच से पता कर लिया जा सकता है। अगर बिस्रा रिपोर्ट में भी नहीं साबित हो पाता है, क्योंकि कई जहर ऐसे होते हैं जो बिस्रा रिपोर्ट तक में नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो नाखून या बाल या हड्डी का कोई टेक्सचर निकाल के जांच कर लेते हैं, उसमें पता चल जाता है कि जहर दिया गया कि नहीं दिया गया। ये बात उसी दिन लगातार, और यूपी के एक रिटायर्ड DG हैं VN राय IPS,
जो संभवतः गाजीपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने काफी पढ़ाई लिखाई की कभी जहां और उन्होंने काफी किताबें भी लिखी है। ये बात उन्होंने हमारे पूर्व सहयोगी रहे हैं आज तक के SIT के रहे दीपक शर्मा से इंटरव्यू में कही है, वो इंटरव्यू भी चला है। और दूसरी बात आप समझिए कि मुख्तार किस परिवार से आते हैं। मुख्तार बहुत पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, उनके दादा और नाना का किस्सा तो सब जानते हैं कि उनके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नाना जो है वो उनके घर में जज भी रहे हैं, उनके एक भाई IAS भी रहे हैं, तमाम पढ़ा लिखा परिवार है। और इस पूरे प्रकरण में देखिए दो तीन नई कई खुलासे किए हैं आज तो अफजाल ने। एक तो ये वाली बात कही कि सबको इस तरह से दफनाया गया है कि 15 साल 20 साल बाद ही कब्र से सबूत निकलेगा। समझिए इस बात को कि मुख्तार का सभी सबूत दे देगा अगर ये लोग बचाने की कोशिश करेंगे। इसरा रिपोर्ट अभी आई नहीं है। और जो दूसरी बात वो मतलब ये कहना चाह रहे हैं, वो एक दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये मुख्तार को जब सुप्रीम कोर्ट ने रोपड़ जेल से बांदा जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया था, उस वक्त ये आदेश दिया था कि मुख्तार के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा और सरकार ने यूपी सरकार ने बताया था कि नहीं साहब हम उनकी जान की रक्षा करेंगे। मुख्तार का प्ली था कि मुझे यूपी ट्रांसफर किया जाएगा तो मेरी जान को खतरा है। उस वक्त सरकार ने कोर्ट को ये भरोसा दिलाया था कि हम मुख्तार को कड़े सुरक्षा गृह में रखेंगे और उनकी उनके स्वास्थ्य की पूरी पूरी हर तरह की उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था कराएंगे। दरअसल हुआ क्या है कि देखिए सच क्या है तो कोई नहीं जानता है। एक जो हुआ कि 26 तारीख को जो पहले तबियत खराब होने की खबर आती है और उसके बाद वो बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए जाते हैं, उसके बाद जैसे ही मुख्तार के भाई अफजाल और बेटा मिलके आता है उसके 2 घंटे बाद ही पता खबर आती है कि मुख्तार को वापस जेल भेज दिया गया, उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ये 26 तारीख को भेजा जाता है, उसके बाद 28 तारीख को पता चलता है कि भैया वो तबीयत फिर खराब हो गई। और आज अफजाल ने एक और बात कही, वो एक वीडियो का वीडियो आप देखिएगा कि मुख्तार को जब ले जाया जा रहा हॉस्पिटल में तो अचानक से उनका हाथ ऐसे टक से नीचे गिर जाता है, इसको देख के लोगों ने सवाल किया था। तो उन्होंने आज ये भी कहा है कि वो तो मर चुके थे, मरी हुई अवस्था में, उन्होंने आरोप लगाया कि मरी हुई अवस्था में उनको अस्पताल लाया गया और 2 घंटे उस सब का इलाज करने की बात कही है। और जो वो तो पुरानी 2021 के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद अभी मुख्तार के बेटे ने उमर ने जो रिट याचिका दायर की थी कि हमारे पिता को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, उसमें यूपी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। तो दरअसल ये मामला इतना पेचीदा हो गया है कि ये जो जश्न मना लिया गोदी मीडिया ने कि मुख्तार खत्म हो गया और बार बार वो टेक्निकल पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। पहले दिन ही और उसके अलावा होली के दिन ही उन्होंने बोला कि हमारे भाई को जहर दिया गया है। 21 तारीख को कोर्ट में चिट्ठी भेजी मुख्तार ने अपने वकीलों के माध्यम से कि हमको जहर, वो 19 तारीख का दिन बता रहा है। उसके बाद 26 को उनकी तबीयत खराब होती है। तो सारे घटनाक्रम उसके बाद उनको पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो यहां समझिए ये पढ़े लिखे लोगों का परिवार है। तो उन्होंने कहा कि सब को इस तरह से दफनाया गया है कि सबूत कोई खत्म ही नहीं होगा। मतलब अगर 10 साल 5 साल बाद, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट आपने कहा ना आलोक भाई, हम लोग बतौर पत्रकार हम लोग कोई जांच एजेंसी नहीं है ना एक्सपर्ट है, लेकिन बतौर पत्रकार या आम आदमी फुटेज को बड़े गौर से देखते हैं कि उससे भी बहुत चीजें कुछ चर्चा के लिए मिलती हैं। तो फुटेज ये फुटेज जो अभी आपने चर्चा किया, जो अफजाल अंसारी ने बोला, इस फुटेज को मैंने बड़े गौर से देखा था। हम लोगों ने बहुत लोगों को एम्बुलेंस से गंभीर हालत में अस्पताल जाते हुए देखा है, एम्बुलेंस से उतार करके हॉस्पिटल में ले जाते देखा है। अभी भी उस फुटेज को जो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है उस फुटेज को देखने के बाद, लेकिन हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वही कहे ना वक्र दृष्टि वाली बात है, हम एजेंसी है नहीं, हम दावे से कह दें या ऐसा दावा करें तो ये होगा कि आप लोग जो है गुमराह कर रहे हो। वो फुटेज गौर से कोई भी देखे, उस फुटेज को देखने में होता ना, एक शरीर जिंदा शरीर, वो कितना भी बीमार हो जिंदा शरीर दिखता है। वो जो लेके जा रहे हैं लोग उससे बहुत कुछ
इंडिकेशन था, और अगर अफजाल अंसारी ने इस पे सवाल खड़ा किया है तो इस फुटेज को भी गौर करना चाहिए जांच टीम को। हालांकि जांच टीम क्या करेगी वो तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन आलोक भाई ये जो है बड़ा मसला ये है कि क्या वक्त का इंतजार कर रहे हैं अब फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि अब जो है अब्बास की जमानत के लिए भी अफजाल अंसारी ने बोला है कि हम 40वीं का इंतजार नहीं करेंगे, हम रेगुलर जमानत के लिए हम बीच में इससे ही कोशिश करेंगे कि रेगुलर जमानत पे बाहर ले आए। लेकिन जब मुख्तार के इंसाफ और जांच की बात हुई तो उन्होंने कहा वक्त आने पर 20 साल 15 साल 10 साल 5 साल की बात, यानी एक मुफीद वक्त जब निष्पक्ष रूप से जांच हो पाए। क्या अफजाल अंसारी और उनके परिवार को अब उस वक्त का इंतजार है? देखिए एक बात बता दूं आशीष भाई, जो मैंने पहले कहा कि इनका जो परिवार है काफी पढ़ा लिखा परिवार है, और मुख्तार और उनके बच्चों के ऊपर छोड़ के बाकी किसी के ऊपर कोई केस नहीं है। अफजाल के ऊपर कोई, अफजाल के ऊपर एक आध दो केस इन्होंने अभी लगाए हैं, अफजाल के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा है नहीं। तो एक ऐसे पढ़े लिखे परिवार से आते हैं जहां पे उनके घर में उनके कुछ रिश्तेदार जज भी रहे, हाईकोर्ट के जज भी रहे हैं। मैं ये भी बता दूं, ये कई लोगों मीडिया रिपोर्ट से बताया, फिर से जानकारी दे दूं तो उनके परिवार में कुछ लोग हाईकोर्ट तक के जज रहे हैं और बहुत बड़ी वकीलों की फौज है, इसलिए उनको मालूम है कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कितने दिन में फैसला है कितने दिन में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रिकॉशन के लिए हमने सबको इस विधि से दफनाया है, और ये जब से खुलासा किया है, देखिए इसमें होगा क्या, अधिकारी फंसते हैं, अधिकारी फंसते हैं, जिसने भाई नेता को लिखित में तो आदेश देता नहीं है, इतना बड़ा कोल घोटाला हुआ, कोई नेता तो जेल में गया, सजा नहीं हुई, सजा किसको हुई, कोल सेक्रेटरी को सजा हुई, भाई कनीमोजी बाहर आ गई, डी राजा बाहर आ गए, सब बाहर आ गए, तो सजा किसको होती है, अधिकारी को होती है। तो जिन अधिकारियों ने जो दिया होगा सरकार के बिहाव पे, उनसे ना सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछेगा भैया कि आपने तो वादा किया था कि हम हर तरह की सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, ये वादा किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा अफजाल ने कहा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया इन्होंने 2021 में रोपड़ से लिख के जब यहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, और जो आरोप लगा रहे हैं कि इसीलिए लेके आए थे, देखिए अब उनके परिवार के जो लोग आरोप लगा रहे हैं इसीलिए रोपड़ से लेके आए थे। दूसरा जो मुख्तार अंसारी का के भाई का जो बयान है उसको आप बहुत ध्यान से सोचिए, वो क्यों नाम ले रहे हैं, मुख्तार ने क्यों चिट्ठी में नाम लिखा था ब्रिजेश सिंह का, त्रिभुवन सिंह का, मनोज सिन्हा का, स्पेशल डीजी एसटीएफ का और तमाम लोगों का, क्योंकि ये गवाही हो रही है, 2001 का केस है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि 15 जुलाई 2001 में उसरी चट्टी पे मुख्तार अंसारी पे सबसे बड़ा जानलेवा हमला हुआ था, और उस वक्त उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ये तथ्य भी याद दिलाना जरूरी है। तो उसमें इतना स्लो ट्रायल चला कि अब जाके गवाही हो रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मुख्तार को गवाही देनी थी, मुख्तार के गवाही देते ही मुख्तार इनके ऊपर ब्रिजेश सिंह के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते। भाई एक तरफ तो योगी सरकार के प्रशंसक ये कहते हैं कि जब से योगी जी आए हैं तब से मुकदमों की गति बहुत तेज कर दी गई, आज अतीक को सजा मिल गई, मुख्तार को सजा मिल गई, लेकिन वही एक तथ्यात्मक तथ्य है कि 2008 से लेकर ब्रिजेश सिंह लगातार सेंट्रल जेल बनारस में बंद थे, और ऐसी मुकदमों की पैरवी हुई कि ब्रिजेश सिंह अब जमानत में 2022 से बाहर हैं। और लोग, मैंने बहुत मुख्तार के हर केस को स्टडी नहीं किया है, सॉरी ब्रिजेश के, लेकिन एक जानकार हमसे बता रहे थे कि इस केस में अगर ब्रिजेश छूट जाएंगे तो ब्रिजेश के लगभग सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, एक या दो बड़े गंभीर मुकदमे पड़े हुए हैं। तो इस अगर तो ये जो आरोप है ये तथ्यों पे बेस्ड है, और सवाल ये है कि ये इसमें जिसने कहा कि इसमें छूट जाएंगे तो और बाकी में छूट जाएंगे, इस पे सबसे एक तार्किक बात भी इस पे जुड़ती है, उन्होंने सही कहा जब मुख्तार अंसारी गवाही नहीं दे पाए तो फिर और कौन गवाही दे पाए, सवाल ये भी। तो आपने सही कहा कि अगर इस एक साहब है वो बिल्ला टांग के घूमते रहते हैं कि उन्होंने मुख्तार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है, वो कह रहे थे कि
ऐसा मुख्तार का और अतीक का आतंक था कि कोई गवाह गवाही देने नहीं आता था, है, इसीलिए इनको मुकदमे में सजा नहीं हो पाती थी। यही सवाल अगर कोई पलट के पूछ दे तो किसका मतलब कि वो ब्रजेश को क्यों, ब्रजेश सारे मुकदमे में कैसे वही हो जा रहे हैं, अब वही अभियोजन पक्ष क्यों नहीं गवाह को तैयार कर रहा कि वो आके ब्रजेश के खिलाफ बताए। तो देखिए आप जब कोई ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये मौत सामान्य है कि असामान्य है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से 26 तारीख से लेकर 28 तारीख का घटनाक्रम हुआ है उससे आम जनता में लग रहा है कि मुख्तार की मौत में कोई खेल है। आम बातचीत में देखिए कल ही मेरे पास एक संदेश आया गाजीपुर से कि भाई साहब एक साथ तीन कहानी हो गई, इनका क्या क्या मुख्तार जी खत्म हो गए और अब मनोज सिन्हा और ओम प्रकाश राजभर की राजनीति भी गाजीपुर से खत्म हो गई। अब आप समझिए कि इससे किसका फायदा हो सकता है। तो देखिए इस तरह की बातचीत हो रही है पूर्वांचल में, इस तरह की बातचीत हो रही है तो लोग तो आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते हैं। इस अब या तो सरकार इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जांच कराए और जांच करा के जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तारण हो, नहीं तो जब तक जांच पूरी नहीं होगी इन सवालों का जवाब लगातार इन सवालों को लगातार जो है अफजाल उठाते रहेंगे, उमर उठाता रहेगा और उनका जो बड़ा बेटा है वो भी जो अभी फिलहाल जेल में है। और एक बात उन्होंने और भी कही कि मुख्तार जब जेल में गए उसके बाद उनके ऊपर 50 मुकदमे लाद दिए गए। तो ये सबने देखा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी माफिया रहा हो उसको हर सरकार का संरक्षण रहा है, ये सच तो हर सरकार को स्वीकारना पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हमने संरक्षण नहीं दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को के इस बयान को मैं सच नहीं मानता। नहीं नहीं ये बिल्कुल इस मामले में यही तो दरअसल यही पर तो दोहरा चरित्र सामने आता है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सरकार कोई ऐसी पार्टी नहीं रही है, हाँ अलग अलग पार्टियों के अलग अलग माफिया प्रिय माफिया रहे हैं, ये बड़ा कठोर शब्द है लेकिन अलग अलग जो है पार्टियों के अलग अलग प्रिय माफिया रहे हैं और सबने माफियाओं का को संरक्षण दिया। खासकर कल्याण सिंह के जो पहले कार्यकाल को छोड़ दिया जाए उसके बाद, कल्याण सिंह के पहले कार्यकाल को छोड़ा जाए उसके बाद उत्तर प्रदेश में जितनी पार्टी जितनी सरकारें रही हैं उसमें माफियाओं को संरक्षण रहा है और आज तक वो काम बदस्तूर जारी है। इसको कहने में रत्ती भर गुंजाइश नहीं शक नहीं होना चाहिए, आज भी बदस्तूर जारी है क्योंकि नामों की एक लंबी फहरिस्त है, बोलने पर जुबान नहीं खुलती है, धमकी भले दे दी जाए। खैर धमकी उत्तर प्रदेश में आम हो चली है, उसके लिए भी आप न्यूज लॉन्चर पर वीडियो देखेंगे, वो वीडियो देख करके आप शॉक रह जाएंगे, आपको बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में छोटा सा वीडियो था, छोटी चर्चा थी, क्योंकि अगर मुख्तार दफन होने के बाद भी अपनी गवाही पेश कर पाया वो शख्स तो 10 साल, आज बात हो रही है 10 साल, अफजाल ने कहा कि वाकई सालों साल के लिए कुछ लोगों की नींद उड़ा दी, कुछ लोगों की नींद उड़ा दी है। कुछ तो ऐसे जो आपने एक बात बहुत बढ़िया आलोक भाई ने कही कि अफसर फंसते अफसर हैं, जिन अफसरों ने नंबर बढ़ाने के लिए कई बार फैसले लेते समय उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखा या नहीं रखते हैं, ऐसी बातों से या ऐसे दावों से जो अफजाल ने किया है उनकी नींद सबसे पहले उड़ जाती है और बाकी सियासतदान की भी नींद कुछ ना कुछ उड़ती ही है। फिलहाल आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।